की धड़कन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का इस मंच पर शुभागमन हो गया है। एक बार यहाँ की जनता से आग्रह और निवेदन है कि अपने करतल ध्वनि के साथ अपने विश्व के स्थापित नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत आभार कि अपने इस पलामू क्षेत्र की जनता कितने शालीन तरीके से अपने प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन में आप इस यहाँ के हवाई अड्डे के मैदान में उपस्थित हुए हैं और मंच पर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान हो चुके हैं। अब हम आग्रह करते हैं अपने इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेजकर उनका स्वागत करें। जो शॉल अपने पलामू प्रमंडल के जिले सुदूरवर्ती क्षेत्र महुआ डाण में हस्तनिर्मित वह शॉल है जो चीफ पड़ाई समुदाय के द्वारा हस्तनिर्मित है। यह शॉल जिसको कहते हैं कि प्राचीनतम फैशन डिजाइन का यह नमूना है, यह अपने आदिम जनजाति भाइयों के द्वारा निर्मित है। साथ ही साथ अब हम आग्रह करते हैं इस पलामू मंडल में आने वाले अपने 10 विधानसभा के 10 प्रत्याशी और साथ ही साथ पलामू गढ़वाल लातेहार और चतरा जिले के अपने जिलाध्यक्ष इन 10 लोगों से और सभी चारों जिलाध्यक्ष से की बड़ा माला के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा माला दे करके उनका स्वागत इनका अभिनंदन करेंगे। हम प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी से आग्रह करेंगे कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल देकर स्वागत करेंगे। अब हम आग्रह करेंगे अपने चतरा के सांसद आदरणीय सुनील सिंह जी से आदरणीय ओम माथुर जी को शॉल देकर स्वागत करेंगे। जो कार्यकर्ता मित्र इस पर आगे चढ़ गए हैं साउंड सिस्टम से, जरा कृपया नीचे उतरिए, कृपया नीचे उतरिए। हम पलामू के लोग अपनी शालीनता का परिचय देते हैं, जरा कृपया उतरिए, निवेदन है, आग्रह है। और हम आग्रह करते हैं अपने इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री रघुवर दास जी से कि वो आए और पलामू प्रमंडल की सभी सम्मानित जनता को संबोधित करने का कृपा करें। नीलांबर पीतांबर की पवित्र धरती पे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय
हमारे देश के जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी सांसद आदरणीय ओम माथुर जी, पार्टी के हमारे इस मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश से आए जल शक्ति मंत्री, सभी दसों प्रत्याशीगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और लाखों की संख्या में आए ये जन सैलैब, मातृशक्ति के रूप में माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सर्वप्रथम नीलांबर पीताम्बर की धरती पे राज्य की 3.25 करोड़ जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का 2000 चुनाव विधानसभा चुनाव की पहली सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। झारखंड की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 70 वर्ष से देश की करोड़ों जनता की मांग थी 370-35 से समाप्त हो और इसके साथ साथ जहां रामलला भगवान राम जन्म लिए थे वो अयोध्या का राम मंदिर का भी मार्ग प्रशस्त करने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर करवाया है, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की और राज्य की करोड़ों जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 2014 में राज्य की जनता को आह्वान किए थे कि आप पूर्ण बहुमत दो, हम संपूर्ण विकास देंगे। राज्य की जनता ने आपकी बातों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का काम की थी और आपके मार्गदर्शन में ही ये 5 वर्ष के अंदर जिस तरह आप देश में आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है, हमारी सरकार ने भी आपके मार्गदर्शन में 5 वर्ष के अंदर इस राज्य से उग्रवाद अंतिम चरण में सांसें गिन रहे हैं और आने वाले समय में उग्रवाद मुक्त, भय मुक्त झारखंड बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। इसी तरह 5 वर्ष में जो आपने जन कल्याणकारी योजनाएं, गांव, गरीब, महिलाएं, नौजवान की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जो भी योजनाएं चलाए, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, चाहे गरीब को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो या हमारी बहनों को उज्ज्वला गैस, ये झारखंड पहला राज्य जहां हम अपनी बहनों को चूल्हा भी देते हैं और डबल इंजन की सरकार में डबल सिलेंडर भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी तरह 1 रुपये में ये जो हमारी नारी शक्ति है, आपकी सोच है, अगर देश को हमें आगे बढ़ाना है तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाना हो और इसी सोच के तहत झारखंड देश का पहला राज्य जहां हमारी बहनों के नाम पर 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपये में रजिस्ट्री होती है और अभी तक 1,83,000 बहनों के नाम पर जायदाद की मालकिन बन चुके हैं। इसी तरह हमारी सरकार 329-108 एम्बुलेंस, ये खासकर जनजाति क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है, 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। इसी तरह इस पलामू में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज मेडिकल कॉलेज बन के तैयार, पढ़ाई भी शुरू हो रही है। इस तरह ये पलामू, गढ़वा, ये खेती पर निर्भर करने वाले लोग हैं और सिंचाई की व्यवस्था भी आपके मार्गदर्शन में आपने एक वर्ष पूर्व मंडल डैम जो वर्षों से बंद पड़ी थी उसको आपने शुरुआत करने का काम की और इस क्षेत्र में 6000 करोड़ रुपया चाहे कन्हर सोन नदी से पाइपलाइन के द्वारा सिंचाई पेयजल के लिए 6000 करोड़ रुपए की सिर्फ पलामू और गढ़वा में काम चल रहे हैं। इसी तरह आपकी सपना है किसान की आय दुगुना करने के लिए, किसान को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने का काम आप पीएम किसान योजना शुरू किए, ये डबल इंजन की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का एक एक किसान को 11,000 रुपया मिनिमम और 5 एकड़ किसान को 31,000 रुपया देने का काम हमारी सरकार कर रही है। ये राज्य में 5 बार स्थिर सरकार के कारण ही
ये राज्य में हमारी सरकार ने एक बेदाग सरकार देने का काम की, हमारे विरोधी भी एक रुपये के आरोप हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के डेरी लगा सकते। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, जहां मिलावटी सरकार ने 14 वर्ष इस झारखंड को बदनाम करने का काम किया, आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने एक बेदाग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम की। और इसलिए आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और ये जनता जनार्दन जो दल है, 5-7 जनवरी को आप क्षेत्र में भी आए थे मंडल डायर के शिलान्यास, उससे भी ज्यादा जनदल है। ये जो जनता की आप रुख देख रहे हैं, विपक्ष को लोग देख रहे हैं कि हवा का रुख किसी तरह है, ये हवा का रुख ही बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 62 बार झारखंड की 3.25 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद जो अधूरे शिक्षा और स्वास्थ्य और इस विकास की गति को हम और तेज करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम जिनके इंतजार में आज इस पूरे पलामू प्रमंडल से राजा मेदिनी राय की कर्मभूमि, शहीद नीलांबर पीताम्बर की वीर प्रसवनी वसुधा, पलामू नेतरहाट की पहाड़ी, भगवान बंसीधर, माँ उग्रतारा, माँ भद्रकाली, माँ कौलेश्वरी की पवित्र भूमि, बौद्ध एवं जैन धर्म की तीर्थस्थली, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर स्वतंत्रता सेनानियों की पुण्य भूमि गढ़वा, चतरा, लातेहार एवं पलामू के इस चिया की एयरपोर्ट मैदान प्रांगण में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यहाँ शुभागमन हुआ, हम इनका करतल ध्वनि के साथ हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और हम आग्रह करते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो आए और अपना आशीर्वचन के साथ साथ इस 65+ का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी है, उसको पूरा कराने का कष्ट करें। भारत माता की वो जो सारे नौजवान वहां चढ़ गए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप नीचे आइए। देखिए उसमें बिजली का तार होता है और अगर आपको कुछ हो गया मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा। हाँ, जल्दी नीचे आ जाइए, शाबाश। यहां के सारे नौजवान बहुत समझदार हैं। जरा उनको नीचे आने में मदद कीजिए भाई, बहुत लोग ऐसे होते हैं चढ़ जाने के बाद नीचे आना नहीं आता है। शाबाश, आखिरी वीर सपूत बच गया है, वो भी आ रहा है। बहुत, मैं आपका बहुत आभारी हूं दोस्तों। बस आपका यही प्यार है जो मुझे काम करने की ताकत देता रहता है। मंच पर विराजमान झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी, संसद में मेरे साथी भाई सुनील कुमार सिंह जी, श्रीमान बीडी राम,
भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान ओम माथुर जी, आदित्य साहू जी, श्री मनोज सिंह, सुबोध कुमार सिंह, श्रीमान गिरिनाथ सिंह, अशोक शर्मा जी, लाल अमितनाथ जी, ओम प्रकाश केसरी जी, नरेंद्र पांडे जी, प्रदीप शर्मा जी, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पाकी से श्रीमान शशि भूषण मेहता जी, विश्रामपुर से श्रीमान रामचंद्र चंद्रवंशी जी, डाल्टनगंज से उम्मीदवार श्रीमान आलोक चौरसिया जी, छतरपुर से श्रीमती पुष्पा देवी जी, हुसैनाबाद से श्रीमान विनोद सिंह जी, गढ़वा से श्रीमान सत्येंद्र तिवारी जी, भवनाथपुर से श्रीमान भानु प्रताप शाही जी, मनिका से श्रीमान रघुपाल सिंह जी, लातेहार से श्रीमान प्रकाश राम जी, छतरा से श्रीमान जनार्दन पासवान जी, मेरे साथ भारत मां की जय बोल करके मेरे इन सभी साथियों को आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। विराजिए। राजा मेदिनी राय वीर यहां के महान सपूत नीलांबर पीतांबर की धरती पर आयल रउआ सबके राम राम। रउआ सबके प्रणाम। भगवान बंशीधर को भी मेरा नमन। तीन दिन पूर्व लातेहार में नक्सली हमले में शहीद पुलिस वालों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवार वालों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां दूर दूर से आए हो। काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। आपका यही प्यार, यही अपनापन मेरी ऊर्जा का स्रोत है। मुझे बार बार झारखंड आने के लिए प्रेरित करता रहता है। आपका प्यार इतना है कि मैं खींचा चला आता हूं। ऐसे में आज यहां डाल्टनगंज के झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए मैं विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। साथियों, झारखंड की धरती और उसमें भी पलामू भाजपा के लिए हमेशा से एक मजबूत किला रहा है। आज अगर पूरे भारत में कमल शान से खिला है तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका
यहां की जनता जनार्दन, यहां के भाजपा के कार्यकर्ता और आप सबके आशीर्वाद है। यहां का जनजातीय समुदाय, यहां के पिछड़े, दलित, वंचित, व्यापारी, कारोबारी, हर वर्ग कमल के निशान के साथ खड़ा रहा है। मैं ये हाल फिलहाल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अस्सी के दशक में भी जब भाजपा का जनादान इतना व्यापक नहीं था, यहां तक कि कांग्रेस के लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, तब भी इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर राष्ट्रवाद के प्रति, स्वराज के प्रति, अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति हमेशा से ही प्रबल भावना रही है। इसी भावना के साथ भाजपा भी झारखंड की सेवा करने, झारखंड का विकास करने का प्रयास करती रही है। साथियों, इसी भावना को आपने 2014 में भी व्यक्त किया और कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव में भी आपने भारी समर्थन किया। और आज यहां जो जन सैलाब चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, उत्साह से भरे हुए, उमंग से भरे हुए संकल्पवान नागरिक, उसने इस बार के विधानसभा चुनाव का नतीजा भी स्पष्ट कर दिया है। भाइयों और बहनों, भाजपा की अगुवाई में एक स्थिर और मजबूत सरकार का दोबारा बनना यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि झारखंड के लिए ये समय बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे परिवार में बच्चों के जीवन में आता है। 19-20 साल की उम्र में ही परिवार में बच्चों का भविष्य तय हो जाता है। झारखंड राज्य भी युवा अवस्था में है, इस दौरान यहां जो दिशा मिलेगी उसका झारखंड के भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। बीते 5 वर्ष में दिल्ली और रांची के डबल इंजन ने झारखंड के विकास को जो गति दी है उसे बनाए रखने की जरूरत है। बीते 5 वर्षों में यहां की भाजपा सरकार ने नए झारखंड के लिए सामाजिक न्याय के 5 सूत्रों पर काम किया है। पहला सूत्र है स्थिरता, दूसरा सूत्र है सुशासन, तीसरा सूत्र है समृद्धि, चौथा सूत्र है सम्मान और 5वां सूत्र है सुरक्षा। साथियों, भाजपा ने झारखंड को एक स्थिर सरकार दी है। भाजपा ने झारखंड में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए दिन रात काम किया है, पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई है। भाजपा ने झारखंड को लूटने से बचाया है,
यहां समृद्धि का मार्ग खोला है। भाजपा ने झारखंड के हर समाज के हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का हक दिलाया है, उसका गौरव बढ़ाया। भाजपा ने झारखंड को नक्सलवाद और अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए, भयमुक्त वातावरण के लिए प्रयास किया है। भाइयों और बहनों, आप याद कीजिए, 5 वर्ष पहले झारखंड में क्या स्थिति थी। अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, सब कुछ चरम पर था। यहां पलामू में तो कई इलाकों में शाम 6 बजे को ही जीवन थम जाता था। शाम ढलने के बाद रांची से पलामू आना जाना बंद हो जाता था। अगर कभी मजबूरी पड़ जाती तो परिवार पूरी रात प्रार्थना और इंतजार में बिताता था। लेकिन आज यहां स्थिति करीब करीब सामान्य हो रही है। आज रात भर लोग सामान्य आवागमन कर रहे हैं। पलामू के जीवन में इससे बड़ा बदलाव आया है। साथियों, झारखंड में नक्सलवाद की समस्या इसलिए भी बेकाबू हुई है क्योंकि यहां राजनीतिक अस्थिरता थी। यहां सरकारें पिछले दरवाजे से बनती और बिगड़ जाती थी क्योंकि उनके मूल में स्वार्थ होता था, करप्शन होता था। इन स्वार्थी लोगों में झारखंड की सेवा की कोई भावना नहीं है। इन स्वार्थी लोगों के गठबंधन का एकमात्र एजेंडा है सत्ता भोग, और झारखंड के संसाधनों का दुरुपयोग। और इसी फिराक में ये एक बार फिर आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं। साथियों, जिस तरह की स्थिति इन भ्रष्ट राजनीतिक दलों ने यहां की बना दी थी, उसमें यहां सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम कैसे हो सकता था, नए उद्योग कैसे लगते, नए रोजगार का निर्माण कैसे होता, किसान के खेत को सिंचाई, उपज से उचित कमाई और बच्चों की पढ़ाई अस्थिरता के वातावरण में कैसे संभव हो पाती है। इन लोगों की नजर यहां की मिट्टी के नीचे जो संपदा थी ना, उस पर थी। उन्हें जमीन पर बसे इंसान के जीवन की कोई परवाह नहीं थी। अनिश्चितता की स्थिति का लाभ ऐसे लोगों ने उठाया जिनकी दुकान हिंसा पर चलती थी। यही उद्योग यहां भरपूर फला फूला। साथियों, बीते 5 वर्ष में इस स्थिति को काफी हद तक बदलने में केंद्र और राज्य की भाजपा की सरकार ने मिलकर सफलता पाई है। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब पूरे 5 वर्ष तक रघुवर दास जी के रूप में एक ही मुख्यमंत्री यहां रहे हैं। भाजपा सरकार के ईमानदार प्रयासों की वजह से ही आज झारखंड के गांव गांव में सड़कें पहुंच रही है, गांव गांव में बिजली पहुंच रही है। बदलते हुए हालात में अब यहां रोजगार के नए साधन तैयार हो रहे हैं। नई बसें, ट्रक, टेम्पो के माध्यम से तो रोजगार मिल ही रहा है। अब यहां एक नया स्टील प्लांट भी जल्द ही तैयार होने वाला है। इतना ही नहीं, यहां से जो बॉक्साइट निकल रहा है उसका बड़ा हिस्सा यहीं के विकास में लगे
इसका भी प्रावधान पहली बार भाजपा की सरकार ने ही किया है। हमने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया है ताकि आदिवासी इलाकों की संपदा से उन इलाकों के लोगों का विकास हो सके। इसके तहत करीब 5,000 करोड़ रुपए झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए मिले। इसी फंड से यहां स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाएं बनाने में मदद मिल रही है। यही नहीं, जंगल में रहने वाले साथियों के जमीन से जुड़े गए क्लेम भी तेजी से सेटल किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि यहां कुल 1 लाख से ज्यादा क्लेम किए गए हैं, जिसमें से करीब 60,000 का निपटारा कर दिया गया है। बाकियों के लिए भी तेजी से प्रयास किया जा रहा है। विरोधी हताशा में कुछ भी कहें, लेकिन आपके जल, जमीन और जंगल की सुरक्षा आपके हितों पर भाजपा दीवार बन के खड़ी रहेगी, कोई आंच नहीं आने देगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। बहनों और भाइयों, हमारा प्रयास है कि मेदिनी राय जी ने जिस प्रकार प्रजाहितकारी शासन चलाया, वैसा ही शासन झारखंड और देश को दें। कहते हैं कि मेदिनी राय जी घरों में जा जाकर के पता करते थे कि किस परिवार को क्या समस्या है। आपने भी ऐसी सरकारें देखी हैं जिसमें आपको सरकारों के पीछे चक्कर लगाना पड़ता था, भागना पड़ता था। अब हमारी सरकार खुद चलकर आपके पास आती है, आपकी कठिनाइयों को समझने का प्रयास करती है। आज हम तकनीक की मदद से खुद देश के आम नागरिक देश के लोगों तक सीधे पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि आज हर गरीब परिवार को अपना पक्का आवास मिल रहा है। जिनको अभी नहीं मिला है, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं, काम तेजी से चल रहा है और 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले, जीवन देने वाले बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए हिंदुस्तान के एक भी गरीब को अपना घर न हो, ऐसी स्थिति हम रहने नहीं देंगे। अगर सरकारें बदलती है तो क्या हाल होता है, मैं बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पहले और लोगों की सरकार, भारत सरकार गरीबों के लिए घर बनाने के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन तब उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार थी कि वो कागज पे लिस्ट बनाने की भी ये परवाह नहीं करती थी। जब तक पुरानी सरकार रही, भारत सरकार ने पैसे दिए, दबाव डाला, योजनाएं की, लेकिन घर बनाने का काम नहीं हुआ। जैसे ही योगी जी की सरकार आई और हमारे मंत्री महोदय काम में लग गए, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीबों के घर बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हम कर पाए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज झारखंड में भी हम ये गरीबों के लिए काम इसलिए कर पा रहे हैं कि यहां आपने भाजपा की सरकार बनाई है।
कोई और आएंगे तो उनको इन चीजों की परवाह ही नहीं है। अगर उनको परवाह होती तो आजादी के 70 साल ऐसे बर्बाद नहीं होते। भाइयों बहनों, हर गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अभी तक झारखंड के 2.25 लाख गरीब मरीजों को इसका लाभ मिल भी चुका है। और हां, ये झारखंड के लिए गौरव की बात है कि पूरे देश को आयुष्मान बनाने से जुड़ी इस ऐतिहासिक योजना की शुरुआत झारखंड से ही की गई है। झारखंड ने ही इस योजना को अपनाकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। दिल्ली और रांची में डबल इंजन की सरकार से झारखंड को एक्स्ट्रा फायदा भी हुआ है। यानी केंद्र और राज्य की योजनाओं का डबल लाभ मिल रहा है। इसके भी उदाहरण मैं आज इतने उत्साही लोग हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है बताने के लिए। उज्ज्वला योजना से गरीब के घर में मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिसका लाभ देश के 8 करोड़ परिवारों को मिला है। इसके साथ ही झारखंड के 33 लाख और पलामू के 50,000 से अधिक परिवार को दूसरा सिलेंडर राज्य की भाजपा सरकार ने फ्री दिया है। बताइए कि डबल इंजन का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, डबल लाभ हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह पीएम सम्मान निधि के तहत भी देश के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद पहुंच रही है। लेकिन झारखंड देश का ऐसा राज्य है जहां छोटे किसानों को, जिनके पास 5 एकड़ तक ही जमीन है, उनको 25,000 रुपये तक की मदद अतिरिक्त मिल रही है। बताइए डबल फायदा हुआ कि नहीं हुआ, डबल इंजन का लाभ मिला कि नहीं मिला, आपके घर तक फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। डबल इंजन का यही लाभ होता है, क्योंकि विकास में निरंतरता होती है। अवरोध या रुकावट के राजनीतिक खेल खेले नहीं जाते हैं। वरना अगर दिल्ली में एक सरकार होती और रांची में दूसरी तो ऐसे लाभ मिलना मुश्किल था। साथियों, आज भी पश्चिम बंगाल के किसानों को लाभ नहीं पहुंच रहा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ पहुंचने में दिक्कत आ रही है, राजस्थान के किसानों को उनका हक पहुंचने में रुकावटें डाली जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरी सरकार है और उनको लगता है अगर ये किसानों को मिल गया तो मोदी का जय जयकार होगा। अरे मोदी का नाम मत लो, लेकिन किसान को तो दो। और इसलिए भाइयों बहनों, कोई रुकावट डाले ऐसे लोगों को आज ही रोक दीजिए, उनको रांची पहुंचने ही मत दीजिए। ये चुनाव सिर्फ दलों के बीच का, व्यक्तियों के बीच का नहीं है, बल्कि झारखंड को लूटने वालों और झारखंड के लोगों की सेवा करने वालों के बीच में है। ये चुनाव 2 कार्य संस्कृतियों के बीच का है, 2 धाराओं के बीच का है।
वोट डालने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है, किसने क्या काम किया, किस मंशा से काम किया और आगे उसकी बातों पर कितना विश्वास किया जा सकता है। साथियों, भाजपा ने जो भी वादे किए, जो भी ऐलान किए थे, वो एक के बाद एक जमीन पर उतार रहे हैं। चाहे वो कितने भी मुश्किल रहे, चाहे उन्हें कितनी भी समस्याएं रही हो, झारखंड को, देश को साथ लेते हुए उनका समाधान खोजा है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके साथी हैं जो सिर्फ रेवड़ियां बांटना जानते हैं, उनके पास समस्याएं हैं, हमारे पास समाधान है। उनके पास सिर्फ झूठे आरोप है और हमारे पास अपने काम की रिपोर्ट है। उनके पास कोरी घोषणाएं हैं और हमारे पास विकास का प्रमाण है। भाइयों और बहनों, याद करिए, उत्तर कोयल जलाशय योजना 40-42 साल से अटकी हुई थी। तब जो दल सत्ता में थे उन्होंने कभी गंभीर कोशिश ही नहीं की कि इस परियोजना को पूरा किया जाए। वर्षों तक पलामू, लातेहार और गढ़वा के लाखों किसान परेशान रहे, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी दलों ने उनकी चिंता नहीं की। लेकिन किसान की मेहनत, किसान के सपने, किसान की गरिमा का क्या होती है, ये भाजपा समझती है। दिल्ली और रांची में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। हमारा प्रयास होगा कि सरकार में वापसी के बाद इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दलों के काम करने का तरीका ही यही है कि समस्याओं को टालते रहो और उनके नाम पर वोट बटोरते रहो। इसी वजह से इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का मामला लटका करके रखा हुआ था। सोचिए, जम्मू कश्मीर में झारखंड सहित देश के अनेक जवान आज भी वहां तैनात है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए यहां के अनेक वीर जवानों को बलिदान देना पड़ा, अनेक माताओं को अपने सपूत खोने पड़े। इन सब की जिम्मेदार थी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। भाजपा ने आपसे इस चुनौती के समाधान का वादा किया था और अपना वादा पूरा करके दिखाया। भाइयों और बहनों, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का विवाद भी इन लोगों ने दशकों से लटकाया हुआ था। कांग्रेस अगर चाहती तो उसका समाधान निकाल सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की ही परवाह की। कांग्रेस की इस सोच से देश समाज का नुकसान हुआ। समाज में दरारें बनी, दीवारें बनी। साथियों, भाजपा ने देश से वादा किया था
कि इसका भी जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे और ये सब काम हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। भारत एक हो, भारत श्रेष्ठ हो, जन जन से जुड़ा हुआ हो, इसलिए एकता के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आज देखिए, आज राम जन्मभूमि से जुड़ा विवाद हल हो चुका है। और समस्या का समाधान होता है तो हर किसी को आनंद होता है। साथियों, भाजपा कोई संकल्प लेती है तो उसे सिद्ध करती है। गरीब, आदिवासी, पिछड़े, देश के लिए जीने वाले एक एक व्यक्ति की मान मर्यादा, सामाजिक न्याय भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। इसी सोच के चलते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आदिवासी समाज को, पिछड़े वंचित समाज को ये झारखंड देने का बहुत बड़ा काम किया था भाई। और इसी कमिटमेंट के कारण उन्होंने पहली बार अलग से जनजातीय मंत्रालय बनाया ताकि जंगलों में रहने वाले हर साथी की समस्याओं का समाधान हो सके। सोचिए, आजादी के बाद 5 दशक तक देश की एक बड़ी आबादी से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए अलग मंत्रालय ही नहीं था। इतना ही नहीं, आजादी के इतने वर्षों तक पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए जो आयोग बना था वो भी सिर्फ नाम मात्र का था। उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए तब भी कोई पहल नहीं हुई जब आरजेडी के सहयोग से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चलती थी। ये भाजपा की सरकार ही है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। लेकिन साथियों, सामाजिक न्याय अधूरा होता जब अन्य वर्ग के गरीब परिवारों को भी इससे नहीं जोड़ा जाता। आजादी के इतने वर्षों तक कांग्रेस और उसकी सरकारें इसे भी टालती रही। ये भाजपा की सरकार है, सामान्य वर्ग के परिवारों को भी सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण देने का काम किया। साथियों, सबका साथ सबका विकास के प्रति हमारा ये समर्पण और हर समस्या के समाधान के लिए हमारी प्रतिबद्धता, यही झारखंड के हर वोटर को आश्वस्त करती है। अभी भी जो यहां कुछ पुरानी समस्याएं बाकी हैं उनका समाधान भी दिल्ली और रांची भाजपा की सरकारें ही बची खुची समस्याओं का भी समाधान कर सकती है। इसके लिए आप सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। 30 नवंबर को आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल याद रखना है। कमल के फूल का बटन दबाना है, आप अपना वोट डालें और अगले 5 वर्ष तक फिर एक मजबूत भाजपा सरकार यहां बनाएं। आप यहां भारी संख्या में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए आप पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके
मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।